हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो पीडीएफ में होता है उसको अनलॉक करना चाहते होंगे, पर वो नहीं हो पाता होगा, बहुतों से हो जाता होगा। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो करके बताता हूँ। खासकर जब हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं या उससे हम कुछ भी कहीं अपलोड करना होता है तो अनप्रोटेक्टेड करना पड़ता है, मतलब उसमें पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एक आधार कार्ड डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे इसको हम अगर खोलते हैं तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछता है। तो इसको हम अन मतलब ये पासवर्ड ना पूछे उस तरीके से जैसे आप पैन कार्ड में फॉर्म देते हैं या कहीं पे भी देते हैं, तो वो कहता है पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। तो उसको किस तरीके से करें, तो चलिए। और ये जो मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, इससे आपके पीडीएफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लगभग 98% पीडीएफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए। कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखिए आई लव पीडीएफ, बस इतना सही लिखना है। आई लव पीडीएफ खुलने के बाद यहाँ पे पहला ही साइट वो ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ओपन करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा है कि आप पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। मर्ज पीडीएफ कर सकते हैं, पीडीएफ को स्प्लिट अलग अलग टुकड़ों में कर सकते हैं, कंप्रेस पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू वर्ड टू पीडीएफ। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिससे आपको बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, मैं एक बार और बता दूं, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। अगर पीडीएफ में प्रोटेक्टेड भी करना है पीडीएफ को, तो उसमें भी आप कर सकते हैं कि हाँ पीडीएफ में पासवर्ड लगा सकता हूँ, तो यहाँ से आप पासवर्ड इसमें लगा सकते हैं। तो अनलॉक करना है हमें पीडीएफ को, तो अनलॉक पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने जहाँ भी आपका आधार कार्ड है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओपन। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ करना है अनलॉक पीडीएफ। अनलॉक करने के बाद ये सारा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपको एक बार पासवर्ड डालना है, उसके बाद डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये अनलॉक वाला पीडीएफ बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ये आधार कार्ड का जो शुरू के डिजिट होता है वो डालना है, जैसे मेरा, और ये सारे कैपिटल में ही आएगा तो याद रखिएगा, जैसे DEEP। और यहाँ पे डालना है लास्ट का आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे भेज दीजिए। अब यहाँ पे नेवर करना है, हमें सेव नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक कॉर्नर में दिख रहा होगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। अब इसे करते हैं ओपन। तो ये देखिए कोई भी पीडीएफ नहीं मांगा, तो ये हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइब करवा दें अपने दोस्तों से हेल्प से। तो वीडियो तो ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा आपको। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।